ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम कुछ धारणाओं पर आ जाते हैं। तो धारणाओं पर सबको ध्यान देना है ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, बहुत संतुष्ट आत्मा बनना है। देख लें आप अपने अंदर कौन सी बात मुझे असंतुष्ट करती है। किसी का व्यवहार, कोई मन की एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं, कुछ संसार से इच्छाएं, जीवन में कुछ निराशाएं, निगेटिविटी, कौन सी चीज मुझे असंतुष्ट करती है? सोचेंगे सभी, अपने पर एक दृष्टि डालेंगे। भगवान को पाकर भी यदि हम संतुष्ट न हुए, आगे बोलो, तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। जब वो हमें सब कुछ देने आ गया है, तब हमें उससे सब कुछ लेके तृप्त आत्मा बनना है। लेकिन व्यवहार में हमें संतुष्ट होकर रहना है। संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। व्यवहार से संतुष्ट करना, बोल से संतुष्ट करना, प्यार देकर संतुष्ट करना। कभी कभी हम वस्तु नहीं दे सकते, लेकिन मीठे बोल बोल कर दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। अपने संस्कारों से भी संतुष्ट रहना बहुत बहुत बड़ी चीज है। किसी किसी में एक फीलिंग का संस्कार इतना हो जाता है कि वो संतुष्ट ही नहीं रह पाते। बहुत फीलिंग होने लगती है, बात बात में फीलिंग, खुशी नष्ट हो जाती है, स्थिति बिगड़ती रहती है, तो संतुष्ट आत्मा बन नहीं पाते हैं। तो सभी चिंतन करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। बाबा का मुझे एक महावाक्य बहुत याद रहा, बहुत चली हैं संतुष्टता पर मुरलियाँ। संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। देखो कितनी कितना बड़ा महत्व दे दिया बाबा ने संतुष्ट मणियों को। मणि कहा उन्हें, जो संतुष्ट मणियाँ हैं वो बाप को बहुत प्रिय हैं। तो हमें संतुष्ट आत्मा बनना है। चेक करेंगे कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, बोलो बोलो। बाबा से जब तक सब कुछ प्राप्त नहीं किया, आत्मा तृप्त नहीं होती। जो कुछ हमने 5000 साल में खोया है, पहले तो दो युग भोगा, उसमें भी तो खत्म हुआ ना। जो कुछ हमने खत्म किया है, जब तक वो नहीं मिलता, आत्मा संतुष्ट नहीं होती। इसलिए सुख से, शांति से, पवित्रता से, शक्तियों से, दुआओं के खजानों से, पुण्य कर्मों से अपने को तृप्त आत्मा बनाना है, बनाना है।